they telling me to stop, ayy. Got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op, ayy? I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop, ayy. Got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op, ayy? I'm in the island on a Wednesday. Laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym. You Assalamualaikum, Namaste, Sat Sri Akaal, and hello everyone. So, जी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई. हम पहुँच चुके हैं आज डेरे पे कम्प्लीटली. और पीछे आप देख रहे होंगे नज़ारा, शेरों के मतलब झुरमट में हम लोग बैठे हुए हैं. और मुलाकात करते हैं उनके मालिक से और उनका हालचाल पूछते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, आप कैसे हैं जनाब? जी शुक्रिया वन. आप इंट्रोडक्शन कराएं ज़रा सर व्यूवर्स को अपना. मेरा नाम अदिल शाह है जी, और हमें बस ये शेरों का और जानवरों का शौक़ है. सही हो गया. तो सर इनकी ब्रीड्स के मतलब थोड़ा सा व्यूवर्स को बताएं. अभी हमारे पास जो 3 ब्रीड्स मौजूद हैं यहाँ पर, 2 अफ्रीकन. ब्रीड हमारे पास अवेलेबल है. हम ये तीनों हमारे पास ब्रीडर पेयर मौजूद है. बिल्कुल. अच्छा, एक आप बता रहे थे कि इसमें से बड़ी वो नायाब नस्ल है. हाँ जी, इसमें एक बर्बरी लाइन है जी, वो अब दुनिया में इसकी नस्ल नापैद होती जा रही है. ये बड़ा खूबसूरत होता है और बड़ा जोरावर होता है. बाकी भी जी हमने काफ़ी इधर एक्सप्लोर किए हैं कि उनके पास बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, मोर हैं रखे हुए उन्होंने बड़ी नस्लों के.
तो कोई ऐसा मैंने नहीं देखा बर्ड या एनिमल के उनके पास ना हो, क्यों सर ऐसे ही है? बस जी ऐसे ही है, देखें शौक है ना जी, शौक का मूल तो कोई नहीं है जी। बिल्कुल ऐसे ही जी। तो सर ये शेर जो आपने रखे हैं इसका पर्पस कोई बताएंगे व्यूवर्स को? ये हमने बस शौक के लिए, ब्रीडिंग पर्पस के लिए रखे हुए एक्चुअली। सही हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया। तो बाकी आप कह लेंगे इसकी ब्रीड भी आगे जो है वो शेयर वगैरह करेंगे? जी बिल्कुल, ये हम इसकी ब्रीड सेल करते हैं और फिर हम इनके लिए जो इनकी केयर में और जो इनकी डाइट वगैरह वो हम इनके लिए लाते हैं। तो बहुत जी खौफनाक करीब से शेयर लगते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम इतनी करीब से देखी है। बनाऊंगा आपके साथ, इसकी बनाता हूँ आप करें। शेर खान आ जाओ। लगते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम इतनी करीब से देखे हैं लॉइंस, वैसे तो देखे हैं चिड़ियाघर वगैरह में तो वो काफ़ी दूर होते हैं, तो इस इतने डिस्टेंस पे देखना कह लें कि बड़ा एक अजीब सा लगता है। तो सर आपको डर नहीं लगता है इनसे? अगर प्रॉपर हमने तो जिस तरह रखे हुए हैं प्रॉपर SOPs के हिसाब से रखे हुए हैं, तो केजिंग इनकी मस्ट है जी। अगर केजिंग सही हो ज़रा उसी हिसाब से है, जैसा जानवर है वैसी उसकी नेस्टिंग केजिंग हो ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जी। अच्छा तो सर जो ये सामने मुझे नज़र आ रही हैं काउज आपने काफ़ी रखी हुई हैं, जो ये कौन कौन सी ब्रीड्स की हैं कुछ? ये हमारे पास जी चोलिस्तानी ब्रीड्स के हैं जी, बुल्स हैं, और ये हमने कुर्बानी के लिए रखे हुए हैं जी। जी बिल्कुल, और बड़ी अच्छी ब्रीड है जी, बड़ी ब्यूटीफुल ब्रीड है कह लें। सही हो गया। ये कि मुझे छोटा बकरा नज़र आ रहा है, ये क्या, इसके मतलब थोड़ा सा बताएं? ये जी ये भी हमारे पाकिस्तान की ब्रीड है, ये भी इसको हम बर्बरे टैडी बोलते हैं। बर्बरे टैडी जी। ठीक हो गया। इसके अलावा आपको डॉग्स विज़िट कराते हैं, वो भी दिखाते हैं, और बड़े प्यारी नस्ल के डॉग्स हैं। सो सर उनकी भी ब्रीड्स अवेलेबिलिटी होगी? जी जी वो जी जी बिल्कुल, कुछ अभी अवेलेबल हैं और कुछ साथ साथ जो हैं वो आपको और जैसा प्रोवाइड भी आप करके दे सकते हैं। बिल्कुल सही होगा। सो जी कबूतरों की मैंने सेटअप की, उनकी वीडियो अपलोड की थी, सो उसका भी मैं लिंक उसमें डाल दूँगा। सो अगर कोई देखना चाहे, विज़िट करना चाहे तो वो जाकर उधर से। व्यूअर्स ये शाहजी का दूसरा सेटअप है जहाँ पे घोड़े, असील मुर्ग, कबूतर और मोर की मुख्तलिफ आप कह लेंगे ब्रीड्स मौजूद हैं। सो इन घोड़ों के ऊपर भी मैं कह लेंगे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, सो वो भी आपको मैं अपलोड ज़रूर करूंगा उसको भी जल्द से जल्द। और इसके अलावा ये घोड़े जो से हैं नेज़ाबाजी में भी टूर्नामेंट्स में जाते हैं। सो शाहजी ने हमसे वादा किया है कि वो जब मतलब इनको लेके जाएंगे अब नेक्स्ट, जब भी मतलब इनका टूर्नामेंट होगा तो उन्होंने वादा किया कि वो हमें भी लेके जाएंगे। सो साथ साथ जी आप भी हमारे साथ ही शरीक होंगे, तो मिलके चलेंगे, एंजॉय करेंगे, आपको भी दिखाएंगे नेज़ाबाजी और इन घोड़ों का शौक़। ये रहे जी मोर, आप देख सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में ये मोर आपको नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा भी अभी और उन्होंने बताया कि मोर अभी आ रहे हैं। सो
हर किस्म का, हर रंग का मोर उनके पास अवेलेबल होगा। सो आप चेक कर सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि कैपेसिटी से ज़्यादा हुए हुए हैं, मतलब इनके की जगह कम हो रही है, क्योंकि इनके केजेस जो से हैं हमने देखे हैं, विज़िट किए हैं, वो केजेस नए बना रहे हैं, और उसमें ये है कि क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी और इनके लिए आप कह लें कि ज़्यादा ज़बरदस्त मतलब क्वांटिटी कैपेसिटी बन जाएगी। सो वो इनके केजेस जो से हैं वो तैयार हो रहे हैं मज़ीद, क्योंकि ये कह लें कि अच्छे हाई लेवल पर शादी जो से हैं वो शौक कर रहे हैं, और मतलब आपको भी साथ साथ शौक करवाएंगे। ये व्यूवर्स, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको शो करवाया था पिजन्स का सेटअप, ये वो सेटअप है। सो कोई नहीं जी, टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं उसका भी लिंक ये आपको नज़र आ जाएगा, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, आप इस आई बटन पे क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। ये व्यूवर्स बुल मास्टिफ ब्रीड है। सो जिन मेरे व्यूवर्स को पता होगा ब्रीड्स का, वो समझ गए होंगे कि बुल मास्टिफ है, और जिनको नहीं पता चलें जी, उनको मैं बता देता हूँ कि ये बुल मास्टिफ है। सो जो इस सेटअप को संभाल रहे हैं वो आज अवेलेबल नहीं है, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। सो इस पर भी मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, सो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ये जी डॉग्स में एक ब्रीड होती है हस्की, सो ये हस्की ब्रीड है, और इसके बच्चे भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ऑड आइज़ में है, और इसने ये बच्चे जो से हैं यहीं पर मतलब इनके आप कह लें सेटअप पर दिए हैं, और ब्लू आइज़ में इसके बच्चे हैं, वो भी आपको साथ साथ मैं शो कराऊंगा इसी वीडियो में, और एक इसका जो बच्चा है सिर्फ वो आप कह लें कि ब्राउन कलर का है और वो ऑड आइज़ में है। बाकी इसके बच्चों की आइज़ जो है वो आपको पता है मोस्टली हस्कीज़ की, जो हस्की ब्रीड को जानते हैं, जिनको पता है, जिन्होंने कभी हस्की ब्रीड रखी है, सो इनकी आइज़ या तो ऑड होती हैं या कलरफुल होती हैं मोस्टली इस ब्रीड में। ये एक आप कह लें कि बहुत बड़ी आप कह लें ये बात है कि इनकी आइज़ कलर होती हैं या ऑड होती हैं। सो आप देख सकते हैं कि इसकी आइज़ ऑड हैं और इसके बच्चों की आइज़ जो सी हैं वो ब्लू हैं, और एक बच्चा जो से मैंने आपको बताया है उसकी आइज़ ऑड हैं। सो बहुत प्लेफुल हैं, हेल्दी हैं, और क्योंकि देखें घर की ब्रीड है तो वो एक हेल्दी ब्रीड होगी। सो ये ब्रीड मैंने यहीं पे ख़ुद देखा है जब ये ब्रीड हुई है। सो मैंने इनको बहुत छोटी एज में भी देखा है, तब सेटअप कंप्लीट नहीं था, बन रहा था, तब भी उन्हें विज़िट किया था। सो आप खूबसूरती देख सकते हैं फीमेल की। ये जी ब्राउन बच्चा है जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था, इसकी ऑड आइज़ हैं और बहुत हेल्दी और माशाल्लाह से अच्छा मतलब कह लें बच्चा। सो मेरी जी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करूँ, ताकि आप वीडियो छोड़ के भागें ना बिल्कुल, वीडियो पर टिके रहें, वीडियो देखें, एंड तक देखा करें वीडियो। उसमें ये होता है कि एंड पे कोई ऐसी ज़बरदस्त चीज़ होती है जो कि मतलब एंड में शो कराई होती है, कुछ मेडल में होती है, सो वीडियो को पूरा देखा करें। ये जी ग्रेट डेन एक ब्रीड होती है, काफ़ी ह्यूज साइज़ में होती है, ये भी काफ़ी ह्यूज आप कह लें कि साइज़ में है, और 35-36 इंचज़ तक इसकी हाइट जाती है, और ये भी फीमेल है। आपको बताया कि ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए ये बनाया गया है कैनल, और मतलब आपको भी शौक कराएंगे, उनका अपना भी शौक है। सो ये ऑल ओवर तकरीबन आप कह लेंगे जितनी फीमेल्स हैं वो मेट हो चुकी हैं। सो आप इनके लिए भी रابطہ कर सकते हैं, मैं कॉन्टैक्ट नंबर उनका ज़रूर आपको स्क्रीन के नीचे डाल दूंगा, सो आप उनसे रابطہ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये भी जी ग्रेट डेन है, और ये ग्रे और वाइट कलर में है, और ब्लैक स्पॉट्स हैं इस पर, ये भी मेट हो चुकी है, इसके लिए भी आप रابطہ कर सकते हैं। और ये भी आपको मैंने जिस तरह से पहले बताया कि इसकी हाइट काफ़ी ह्यूज होती है, ये अपने ह्यूज हाइट की वजह से डॉग जो है पहचाना जाता है। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, शेयर भी किया करें, कमेंट भी किया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरा काम कैसा जा रहा है। सो इससे मुझे पता चलता है कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। ये जी लेब्राडोर है चॉकलेट कलर में, और आप देख सकते हैं कितना हेल्दी है, और माशाल्लाह से बड़ा हेल्दी और आप कह लें कि खूबसूरत है लेब्राडोर। आपको पता है कि चॉकलेट कम ही होता है, ब्लैक और येलोइश जो होता है वो, आप कह लें कि एक पप्पी है। आपको सुन के हैरानगी होगी कि ये पप्पी है, ये सिर्फ अभी 4 मंथ की फ़ीमेल है, और आप कह लें कि ऑड आइज़ में है ये, और जिस तरह से मैंने आपको पहले 2 दफ़ा बताया कि इनकी हाइट काफ़ी ह्यूज होती है, तो ये भी छोटा बच्चा है सिर्फ 4 मंथ का, आप देख सकते हैं। और ये ख़ास मतलब इसमें ग्रेट डेन में एक ब्रीड होती है,
मार्ले क्वीन शायद। तो ग्रेट डेन में ख़ास आप कह लेंगे टाइप होती है, वो मैंने आपको बताया कि एक डिटेल वीडियो मैं डॉग्स पे बनाऊंगा। सो जो सेटअप इनका डॉग का संभालते हैं, हम उनसे बैठ के बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे इनकी ब्रीड्स के मतलब और सारी स्पेशलिटीज़ जब उनके साथ बैठेंगे, तो वो एक कंप्लीट वीडियो मैं बनाऊँ। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अभी काफ़ी डॉग्स की ब्रीड्स आ रही हैं, इसके अलावा बर्ड्स आ रहे हैं और दूसरी और भी आप कह लें कि काफ़ी ब्रीड्स, रैबिट्स की ब्रीड्स आ रही हैं, काफ़ी कुछ मतलब उन्होंने जो बताया कि अभी वो हिडन है चीज़ें आपके लिए, कुछ मैं आपको बता रहा हूँ तो कुछ आपको सरप्राइज भी दिखाऊँगा। सो हमारा नेक्स्ट विजिट होगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ नया भी कुछ देखने में मिलेगा और काफ़ी आप इन्जॉय करेंगे। तो आज के लिए जी इजाज़त चाहते हैं, तो नेक्स्ट दोबारा इधर आएंगे, दोबारा विज़िट करेंगे, नए एनिमल्स आएंगे तो शाहजी से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि सर हमें दोबारा टाइम देंगे आप? जी इंशाल्लाह ज़रूर, आप जनाब आएँ जिस टाइम मर्जी, बल्कि और भी कोई आना चाहता है तो हमारे लिए कोई। बिल्कुल सही, यानी कि ओपनली आपको जी इन्वाइट कर रहे हैं व्यूवर्स को कि आप आएँ विज़िट करें देखें। सर क्या टाइमिंग इसके लिए, टाइमिंग बताएँ आप? सर इसकी टाइमिंग हमने रखी हुई है सुबह 10 से शाम मगरिब तक। बिल्कुल ठीक है। तो जी आप सुबह 9 से 5 बजे तक, अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे तक आप आ सकते हैं। सो आज के लिए जी इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।